गाइस अगला यहाँ पर देखने को मिल जाता है डोम्स की तरफ से आने वाले प्लास्टिक क्रियंस भी, और 149 की किट में बढ़िया यार। यहाँ पर प्लास्टिक क्रियंस की अगर मजेदार बात बता देता हूँ, काफी लंबे समय तक चलते हैं, आपको आई थिंक आवाज आ रही है। यहाँ पर सबसे पहले मैं ओपन करना चाहूंगा डोम्स की तरफ से आने वाली आर्ट स्टॉक किट को। गाइस अगर बात की जाए स्टेशनरी के मामले में तो डोम्स का जो ब्रांड है वो नंबर टॉप पर चलता है, नंबर वन पर चलता है। तो गाइस अगर इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो 149 की मिल जाती है। अगर इसमें बात की जाए ड्रॉइंग बुक, ऑयल पेस्टल, प्लास्टिक क्रियंस भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये सब है, मैं इसे एक एक कर ओपन कर दिखाता हूँ क्या क्या इसके अंदर मिल जाता है। ओ भाई साहब, यहाँ पर काफी मजेदार स्टेशनरी देखने को मिल रही है। तो चलिए निकालते हैं एक एक प्रोडक्ट को और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले निकल कर आ जाता है डोम्स की तरफ से आने वाले ऑयल पेस्टल मिल जाते हैं, जो कि 12 शेड में दिए हुए हैं और शेड भी यहाँ पर बाहर ही शो करवा रखे हैं इन्होंने। यहाँ पर अगर इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए गाइस, यहाँ पर तो ये मुझे मिल जाता है 40 रुपीज का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब इसे जल्दी से निकाल लेते हैं, आपका वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, जल्दी जल्दी मैं अनबॉक्स करूंगा इनको। ओ भाई साहब, काफी मजेदार लग रहे हैं यार। डोम्स वालों की बात मुझे एक ही अच्छी लगती है यार, पैकेजिंग बहुत ही काफी अच्छी देते हैं। यहाँ पर एक आपको स्क्रैपिंग टूल भी मिल जाता है जो कि इन कलर को पेंट करने में काम आने वाला है। तो गाइज ये था यहाँ पर डोम्स की तरफ से आने वाले ऑयल पेस्टल कलर, इन्हें लगते हैं साइड में। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला गाइज यहाँ पर मिल जाती है डोम्स की तरफ से आने वाली पेंसिल मिल जाती है, जो कि कॉम्बो शेड में दी हुई है। गाइज मैंने इन पेंसिल को कॉम्बो इसलिए बोला है क्योंकि एक साइड दूसरा कलर है तो दूसरे साइड दूसरा कलर, यानी कि एक ही पेंसिल में दो कलर देखने को मिल जाते हैं। अगर प्राइस रेंज की बात की जाए तो 60 रुपीज की आपको देखने को मिल जाती है। मैं आपको निकाल कर बता देता हूं उसमें। ओ गाइस काफी मजेदार लग रही है। यहाँ पर एक और पेंसिल इसके अंदर रह गई है। यहाँ पर देखिए यार कितनी मजेदार लग रही है। अगर लेंथ की बात की जाए तो गाइस काफी लंबी हो जाती है, मेरे पूरे हाथ के बराबर हो जाती है। यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे एक साइड दूसरा कलर है तो दूसरे साइड दूसरा कलर है। तो ये थी कॉम्बो पेंसिल, इन्हें रखते हैं साइड में। अगला गाइस यहाँ पर निकल कर आ जाता है हमारे पास एक डार्क पेंसिल भी देखने को मिल जाती है, जिसको डार्क कलर पसंद है वो इससे ड्रा कर सकता है। तो ये थी डार्क पेंसिल, इसे रखते हैं साइड में। अगला यहाँ पर मिल जाता है एक रूलर मिल जाता है, जो कि 15 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, काफी ठीक ठाक क्वालिटी का है। अगला देखते हैं गाइस यहाँ पर क्या मिल जाता है। अगला गाइस यहाँ पर नन्हे से प्यारे से यहाँ पर आ जाता है कलर, जो कि 12 शेड में दिए हुए हैं। अगर इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो 15 रुपीज में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये कलर आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चों के पास होते हैं और काफी मजेदार लगते हैं यार। जो स्टार्टअप करते हैं वो इसी से करते हैं यार। ये मेरे पास भी थे पहले, बहुत ही अच्छे होते हैं। देखिए आप कितने प्यारे प्यारे कलर है, साइज काफी छोटी होती है इनकी। तो गाइस इन्हें रखते हैं साइड में। अगला देखते हैं अगला यहाँ पर क्या देखने को मिल जाता है। गाइस अगला यहाँ पर देखने को मिल जाता है डोम्स की तरफ से आने वाले प्लास्टिक क्रियंस भी, और 149 की किट में बढ़िया यार यहाँ पर स्टेशनरी देखने को मिल जाती है। गाइस अगर इनकी बात की जाए तो इरेजेबल एंड शार्पनेबल मिल जाते हैं, यानी कि आप इन्हें मिटा भी सकते हो और शार्प भी कर सकते हो। यहाँ पर प्लास्टिक क्रियंस की अगर मजेदार बात बता देता हूँ, काफी लंबे समय तक चलते हैं, आपको आई थिंक आवाज आ रही है। यहाँ पर प्लास्टिक क्रियंस है ये गाइस यहाँ पर, तो काफी मजेदार लग रहे हैं। ये है 6 शेड में, इन्हें रखते हैं साइड में। अगला देखते हैं क्या मिल जाता है गाइस यहाँ पर देखने को। अगला गाइस यहाँ पर देखा जाए तो एक यहाँ पर मिल जाता है शार्पनर और दूसरा मिल जाता है डोम्स की तरफ से आने वाला डस्ट फ्री इरेजर, इन्हें रखते हैं साइड में गाइस। यहाँ पर अगला मिल जाता है यहाँ पर एक ड्राइंग बुक भी मिल जाती है 149 में। यार क्या लोगे आप, एक ड्राइंग किट भी मिल जाती है यहाँ पर, जिसमें आप अच्छे अच्छे ड्रा कर सकते हो यहाँ पर ड्राइंग। तो गाइस ये थी डोम्स की तरफ से आने वाली 149 की किट। गाइस ये थी आज की वीडियो, तो आई होप आपको ये मजेदार लगी होगी। और यदि नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।